बार बार जोमैटो हमसे बोलता है कि एड्स ले लो, पर क्यों क्यों मैं एड्स ले लूं? जरूरी है जोमैटो का एड्स लेना? काफी सारे लोग के पास ये भी इशू आ रहा है कि वो कहते हैं कि कभी ऑर्डर्स मेरे पास एकदम से आते हैं और कभी बीच में गैप हो जाते हैं, मीन्स 2 दिन में ऑर्डर आते हैं, कभी 3 दिन में ऑर्डर आते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो जोमैटो पे हमारा आउटलेट ही शो नहीं करता है, वहां लिखा आता है कि आपके एरिया में भी डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई भी राइडर अभी नहीं है इस टाइम, तो ऐसा क्यों? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा सबसे मेन मोटिव इस वीडियो बनाने का कि सबसे ज्यादा लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जोमैटो बार बार एड्स के लिए फोर्स कर रहा है और बहुत सारे यार इशू आ रहे हैं उनको कि लोग मतलब जोमैटो बार बार प्रेशर बना रहे हैं कि एड्स ले लो, एड्स ले लो। अब देखकर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जोमैटो की, जिसके जरिए आप समझ पाओगे कि जोमैटो में आखिर क्यों ऐसे होता है कि आपको बार बार एड्स के लिए फोर्स करा जाता है। अगर आप एड्स नहीं लेते हैं तो उससे भी आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके आउटलेट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जोमैटो जो है वो बार बार एड्स के लिए क्यों प्रेफर करती है। आप सभी को पता है कि कॉल सेंटर होता है, ठीक है, और कोई लोन का डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है आप सभी को पता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो किसी कॉल सेंटर में, क्रेडिट कार्ड में, लोन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ एक टारगेट फिक्स किया जाता है। वहाँ बोला जाता है कि भाई देखो तुमको आज पर डे पे 6 क्रेडिट कार्ड या फिर 6 लोन कस्टमर को देने हैं, वो ही आपकी सैलरी जस्टिफाई होगी। सबको पता है, आप सभी को पता है कि सेल्स जॉब में ये होता है। सेल्स अगर जॉब है तो भाई वहाँ टारगेट फिक्स होता है कि आपको इतना टारगेट करना है, वरना आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगा या फिर सैलरी नहीं मिलेगी किसी किसी कंपनी में। इसी तरीके से जोमैटो में फिक्स होता है कि अगर न्यू आउटलेट आ रखा है तो 10-15 दिन तक आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसके बाद आपसे फोर्स किया जाएगा कि भाई आप एड्स ले लो, नहीं तो आपका आउटलेट नहीं चलेगा, बाकी सारे आउटलेट ले रहे हैं उनका चल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ एक इमेज क्रिएट की जाएगी, तो आपको दिखाया जाएगा कि भाई देखो अगर तुम एड्स लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। डायरेक्टली वे में आपको वो ये भी चीज बोल देंगे कि नहीं लोगे तो आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि भाई आपका आउटलेट भी गायब हो जाए हमारे जोमैटो से। बट ये काफी लोगों को समझ नहीं आती है चीजें, उनको लगता है कि यार एड्स लेना मतलब एक तरीके से अच्छा है कि इसे ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि एड्स लेने से कोई भी ऑर्डर आने की गारंटी नहीं होती है कि उससे ऑर्डर्स आएंगे आएंगे। उसका बस ये होता है कि हाँ, लोगों को पता चलेगा कि भाई एक आउटलेट है जो इस एरिया में ओपन हुआ है, वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उनकी मर्जी है कि भाई वो ऑर्डर प्लेस वहाँ पे करते हैं या नहीं करते हैं। इसे जोमैटो में इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई रोल नहीं है उसका। उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि आपके आउटलेट को वो रीच करा रही है बहुत सारे लोगों तक, जो कि आप नॉर्मल एक सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने आउटलेट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देखा जाए तो सिंपल शब्दों में जोमैटो सिर्फ आपका एडवर्टीजमेंट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों को बता रहा है। वो लोग की चॉइस के ऊपर है कि भाई वो क्लिक करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जोमैटो के एड्स को लेने से कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, पहली चीज तो आप ये समझ लो। अब क्या हो रहा है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जोमैटो ने क्या कर रखा है, एक बार अगर आप जोमैटो के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लेते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि भाई देखो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उनके पास एक डेटा फीड हो गया, यानी कि आपका डेटा चला गया है जिसमें कि आपने ये बोल दिया कि मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे, तो अब वो क्या करेंगे, अपना प्लान चिपकाएंगे वहाँ पे। प्लान चिपकाएंगे इन द सेंस कि आपको बोलेंगे कि एड्स ले लो मेरा, कि आप एड्स लोगे तो आपके पास ऑर्डर्स आने की गारंटी रहेगी, आप एड्स ले लो। अब आप बोल दोगे वहाँ पे नहीं कि नहीं मुझे एड्स नहीं लेना है, तो आप कन्विंस करेंगे नहीं आप ले लो, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या ये मिलेगा वो मिलेगा। अब क्या होगा, अब एक बार तो आपने कॉल कर दिया है, अब वो खुद आपको कॉल करेंगे, हर 2-3 दिन में वो आपको कॉल करेंगे, और अगर आप नहीं लोगे उनका प्लान तो वो आपके साथ क्या करेंगे कि आपके आउटलेट को डाउन कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि भाई आपके एरिया में ये बोल देंगे कि ये शो मतलब कि एक तरीके से ये दिखा देंगे कि डिलीवरी पार्टनर ही नहीं है आपके एरिया में। इसका मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, उन्हीं का नहीं, मुझे लगा सर उनके साथ ये इशू हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू हो रहा है, मेरे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, सब आप लोगों को बताना चाहिए कि जोमैटो इस तरीके से भी कर रहा है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में कि आपको भाई देखो जितना हो सके जोमैटो के कस्टमर केयर से बात करने कम करो, मतलब ज़्यादा बात कोऑर्डिनेशन मत बनाओ, ताकि उनकी नज़र में अगर आप आ जाओ कि हाँ भाई ये कस्टमर है, ये बार बार मतलब बोलता है कि ऑर्डर नहीं आ रहे, कंप्लेन करता है,
तो वो आपको क्या करेंगे, आपको बोल देंगे एड्स लो। इसीलिए हमेशा कोऑर्डिनेशन कम रखो। अगर आपको कोई पे आउट का इशू होता है तो उसके लिए बात करो, बट ऑर्डर्स वगैरह के लिए बिल्कुल भी मत बात करना, क्योंकि अगर आप जैसे ही बात करोगे तो उनके डेटा में आप आ जाओगे और उसके बाद क्या होगा, वो जबरदस्ती आपको बोलेंगे एड्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और बहुत सारे लोगों के साथ इशू हो रहा है, शुरू में तो उन्होंने एड्स ले लिए, स्टार्टिंग में जिस लोगों ने भी एड्स ले रहा उनको बहुत इशू आया है। अब क्या हो रहा है, उनके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं और अब प्लान भी नहीं ले सकते क्योंकि उनका प्लान बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बात बताओ, आप यहाँ पे कमाने आ रहे हो ना कि लुटाने? तो आप अगर पैसे देते ही जाओगे तो कमाओ क्या? इससे जोमेटो कोई मतलब नहीं, उनका तो कमीशन बन रहा है हर एक ऑर्डर पे, बट आप जिस तरीके से यार कर रहे हैं वो काम उसमें आपको लॉस जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता था कि मतलब मुझे भी क्या हुआ था, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐड किया था, एक वीक तक मैंने ऐड चलाया, जब मैंने देखा कि सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैंने वहीं बंद कर दिया। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, एक दो वीक तक उसमें करा था, बट मैंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ को बैलेंस कर दिया, यानी कि अब मुझे जोमेटो या उससे मतलब नहीं है। मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह वैसे आने लग गए हैं, लोग जानने लगे कि हाँ भाई ये आउटलेट वगैरह है, तो धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ बड़ी बढ़ी है। इसीलिए मैं मेरा जोमेटो के साथ अगर आप देखोगे तो 0% का कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मतलब ही नहीं होता उनसे, मेरा पेरेंट फैमिली आ जाता है, मुझे उनसे कुछ मतलब ही नहीं है, ना मैं कोई एड्स चलाता हूँ, ना मुझे उनसे कोई बात करनी पड़ती है और मुझे बात करनी भी नहीं है उनसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार मैंने बात कर ली ऑर्डर के रिगार्डिंग तो वो एक तरीके से पीछे पड़ जाएंगे फिर एड्स को, और नहीं तो मेरी प्रोफाइल को डाउन कर देंगे वहाँ पे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप देखो पहले, समझो चीज़ों करने से पहले। आप ऐसे ही कर देते हो, किसी पर घुस जाते हो, उसके बाद आपको ही उस पर नुकसान होता है। अब जिन जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना मुझे कि किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट में कि किन किन लोगों ने एड्स लिए थे और एड्स के बाद उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके जोमेटो से कम्युनिकेशन आप कम रखो, ज़्यादा मत रखना बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली मेरे से बात करो, मुझसे पूछ लो, तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे चीज़ें पता है तो मैं उस चीज़ पर बता दूंगा आपको, अगर वो चीज़ मुझे पता होगी तो, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट कोशिश करो कि जोमेटो से ना बात करो, जितना बात करोगे उतना ही वो आपको फंसाते चले जाएंगे और आप उस चीज़ में फंस जाओगे, और भाई जो आपने क्लाउड स्टार्ट किया है उसका आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, फिर नहीं चला पाओगे। काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट किए हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आ रहे हैं, किसी के मेन्यू का इशू, कुछ भी इशू है, बट जो भी इशू होता है वो प्लीज़ मुझसे आप डिस्कस कर लो, पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा अच्छी तरीके से। मैं हमेशा हर किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, चाहे लेट करता हूँ पर करता ज़रूर हूँ। यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी है, जिसमें बातचीत वगैरह करनी है तो कर सकता है, कुछ पूछना हो तो कर सकता है मुझसे। देखो आपको जो क्वेश्चन पूछना है, कुछ इशू है तो ही पूछना, वैसे प्लीज़ आप कुछ दूसरी चीज़ मत पूछना। काफ़ी सारे लोग यार मतलब कि अजीब से क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ वो सब मत करना। क्लाउड की जिनको लेकर ही अगर कुछ बात करनी तो आप करना, उसके अलावा मैं कोई भी बात आप लोगों से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है यार, मुझे लगता है कुछ ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद आप कुछ उल्टी चीज़ें मतलब पूछ लग जाते हो तो प्लीज़ वो चीज़ें मत पूछना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाई है। तो याद रहे जोमेटो से कम बातचीत करो, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो। अगर आपको कोई पेआउट से लेकर मतलब इस चीज़ के बारे में पूछना है तो आप डायरेक्टली उससे पूछ लो, और इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी बात मत करना जोमेटो से। मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ आपको, बहुत सारे इशूज में पड़ने वाला है। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप कि आपको मिली होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।